जिले के टाउन थाना क्षेत्र स्थित मोतीझील में ओवरब्रिज के नीचे दीवार निर्माण होने पर स्थानीय दुकानदारों का गुस्सा शुक्रवार को प्रशासन पर फूट पड़ा। ओवरब्रिज के नीचे सैकड़ों की संख्या में स्थानीय और कुछ फुटपाथी दुकानदारों ने जमकर हंगामा और धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि वर्षों से वे लोग छोटी मोटी व्यवसाय कर इसी तरह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दीवार बनने से उन्हें तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, साथ ही आम राहगीरों को भी इससे परेशानियां झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अभी जब दीवार नहीं बना है तो बारिश के मौसम में घुटने तक पानी लग जाते हैं, जब दीवार बन जाएगा तो डूबने तक की नौबत आ जाएगी। इसके अलावा छोटे व्यवसाय करने वाले व्यवसायी लोग सड़क पर आ जाएंगे, इससे उनके परिवार भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। इस मामले में दुकानदार अब्दुल वाहिद, राजेंद्र कुमार समेत अन्य दुकानदारों ने नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। दुकानदारों ने कहा कि अगर प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुनती है तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। आगे क्या कुछ कहा देखिए इस वीडियो में। आप लोग नगर आयुक्त और नगर विधायक को ज्ञापन सौंपे हैं? सबसे बड़ा बात यहाँ ये है दुकानदार, हम लोग पूजा मार्केट वाले हैं, दाऊदी मार्केट वाले, फुटपाथ भी है। आपके सामने जो निर्माण जो हो रहा है ये तो ऐसा निर्माण हो जो लग रहा है घर बना रहे हैं, नाम की पार्किंग बन रहा है। पार्किंग का इतना थोड़े हो कि मान लीजिए किसी तरह घटना घट जाए, यहाँ बैंक है, सिनेमा हॉल है, कई तरह का यहाँ शिक्षण संस्थान है, कभी आगे लग गया है, कोई भगदड़ मच जाए, आए दिन ऐसी रात्रि में या कहीं में यहाँ जुलूस वगैरह आता जाता रहता है, इसको जगह को और शॉर्ट किया जा रहा है। ऐसा ही हम लोग मतलब जाम से हम लोग परेशान रहते, ऊपर से ये अलग जाम किया जा रहा है। कोई आग को ऐसा में कोई गाड़ी कैसे आएगी, ना एम्बुलेंस आ सकती है, आएगी भी तो घूमेगी कैसे, दमकल आएगी तो वो कैसे घूमेगी, कई तरह का घटना हो जाए, कोई भी अप्रिय घटना हो जाए जिससे कोई मतलब साधन नहीं निकलता, उसमें आदमी तो हम लोग तो दुकानदारे मरेंगे यहाँ पर का, हम लोग का संपत्ति का क्षति होगा, माल का क्षति होगा, हर चीज का क्षति हमीर को उठाना पड़ेगा। खासकर बारिश और जाम में क्या स्थिति होगी अगर ढंग से बारिश हुआ तो? बारिश होती है तो हम लोग ऐसे ही एक यहाँ बैंक मतलब मूत लेता है तो वैसे हम लोग का यहाँ पर जाम लग जाता है पानी से, और इस तरीके से तो और जाम है। आपके सामने में आप देख लीजिए जो काम हो रहा है यहाँ पर किस तरह का हो रहा है, कहीं पे इतना ऊंचा करके, कहीं इतना ऊंचा करके, इसके ऊपर फिर लोहा का रोड भी लगाने वाले हैं लोग, जैसा सुनने में हम लोग इसका विरोध हम लोग अपने स्तर से जहाँ तक हो पाया नगर आयुक्त को, विधायक को, इन सबको हम लोग दे चुके हैं। कलेक्टर साहब, नगर विधायक से क्या आश्वासन मिला? नगर विधायक का आश्वासन है कि यहाँ नगर आयुक्त का ही चलती ज्यादा चलता है, हम लोग उनके एंट्री में नहीं जा सकते हैं, आप लोग अपना स्तर से अपना ज्ञापन दीजिए, वही लोग बात करेंगे, वही सब करेंगे। अगर नगर निगम नहीं मानती है तो कहाँ? नगर निगम नहीं मानती है तो हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, जहाँ तक हम लोग हो सकता है वहाँ कानून लड़ाई लड़ना पड़ेगा, वहाँ भी जा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र कुमार। दुकानदार हैं आप? जी। हाँ, क्या क्या कुछ करना चाह रहे हैं? हम लोग फुटपाथ दुकानदार वर्षों से यहाँ पर धंधा बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग के पापा सब किए, अब वो नहीं रहे तो हम लोग करते हैं, आप वर्षों से यहाँ पे धंधा करते हैं, टेंडर होता है, टेंडर वाले को बाइज्जत हम लोग पैसा देते हैं, अभी हम लोग पैसा कम कर दिए टेंडर वाले को देना, तो टेंडर वाले अपना कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिमाग लगा के अपना काम करते जा रहे हैं, तो क्या नगर निगम हम लोग को काट देती है? काट कहाँ है भाई, हम लोग को नगर निगम काट देती है, 10,000 रुपया देती है, उसके बाद हम लोग को बेंडन जोन के तहत लाइसेंस दिया गया और बसाने का आश्वासन दिया गया, उसके बाद हम लोग को कहीं बसाया उसाया नहीं जाता है, और यही देख लीजिए डिवाइडर घेरा जा रहा है और उजारा जा रहा है, हमारे रोजी रोटी को छीना जा रहा है, बस इसीलिए हम लोग काम वाम रोक रहे हैं। आप लोगों का डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड यही है कि सरकार जो करे गरीबों को देखते हुए करे। क्या नाम है आपका? अब्दुल वाहिद।